इस हफ्ते हाई फीवर पर है सेलिब्रेशन की रात जिंगाट गानों के साथ इस महफिल की बहाने शान नवाब ज़ादे आएंगे लेकर मस्ती का तूफान स्लो मोशन मेरा इनकी वजह से आया सर शौक नवाबी होंगे रंगीन होगी शोखियां अगर इस साड़ी के अंदर जिगरा है तो मुझे प्यार कर प्यार कर डांस के दस्तूर को मुबारक करेंगी मीठी बोलियां ये दोनों का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा हाथ है इंडस्ट्री में लाने वाले खान साहब एंड मुझे पहचान दिलाने वाले सलमान अहमद सर के बाद रेमो सर के बाद इन अ वे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपका हाथ हमारे ऊपर है इंडिया इस हफ्ते की वोटिंग लाइंस बंद है इसलिए पिछले हफ्ते के वोट्स और जजेस के परफेक्ट 100 के स्कोर्स को मिलाकर नेक्स्ट वीक के एलिमिनेशन का फैसला लिया जाएगा तो शुरू करते हैं शो और बुलाते हैं हमारी पहली फीवर जोड़ी को जाए तो जाए कहां जाए तो जाए कहां समझे कौन यहां हाय गिरपड़कर जी क्या भिखारी लोग हाय ले रहे थे ये हालत है ना मेरा 13 बजे से हो गया है तेरा प्यार में शाइनिंग मारते मारते यहाँ तक कर्जे में डूब गया मालूम है मैं मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना ले मैं तुझे गोरी ये कौन है तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना न्यू कैंडिडेट डोली सजा के रखना शादी का कार्ड मैंने दिया नहीं आप आया पहले ही किसके शादी का मेरा शादी का नहीं नहीं मैं आया हूँ अपनी शादी के लिए यहाँ पे अच्छा हाँ हाँ कौन दुल्हन कौन है तुम उसे जानते हो I'm talking about my lady Esha Gupta hello there ये क्या बात हुआ क्या बोल रहे हैं इधर वेडिंग कार्ड बन रहा है क्या आधार कार्ड बन रहा है सब लोग लाइन लगा रहे हैं एक मिनट इससे शादी मत करना ये बहुत स्लो काम करता है वो स्लो ये इतना स्लो है कि ये पैदा भी दो दिन हो रहा था लगातार ऐसे ईशा तुम्हारे सामने तीन लड़के हैं लेकिन उसके पहले ये तीन लड़कों के बीच में कैटरिंग वाला कौन है अब तुम बोलो तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है मुझे ना ऐसा लड़का चाहिए जिसकी स्माइल राघव जैसी हो अरे और जिसकी हाइट और डांस एकदम लाइक पुनीत जैसा और गिरपड़कर जैसा ना कुछ भी नहीं मैं समझ सकता हूँ एंकर बनने का दुख जोरदार तालियां हो जाए नवाब ज़ादे पुनीत जे पाठक एंड राघव जुयाल के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू अभी इसी वक्त पूरे कपड़े पहन के आओ ये टांगे देखने का हमें किसी को शौक नहीं जो ससुर जी बोलेंगे वो मैं करूंगा मैं पुनीत को वेलकम नहीं करूंगा शो में बिकॉज दिस शो ही पुनीत का है अरे सो स्वीट बट एनीवेज वेलकम टू दिस सीट पुनीत थैंक यू एंड राघव वेलकम टू हाई फीवर आई लव यू सर नवाब ज़ादे प्लीज जाइए थिएटरों में घर पे मत देखिए
is releasing on 27th of July. तो बुलाते हैं हमारी पहली फीवर जोड़ी को जिंगाट गाने स्पेशल में आ रहे हैं वो जिनका हर एक्ट होता है एंटरटेनिंग और सुपर हिट जोरदार तालियां हो जाए प्रेजेंटिंग बेंगलुरु से छोटे अहमद और उनके टीचर की जोड़ी फैजान एंड लिखित फैजान सर चलो ना पार्टी करते celebration, not your dhanadhan, music bajao, ghadao ye sabse. मुझे आराम करना है प्लीज मुझे सोने के लिए जाने दे जाने जाने दे मिलने का मजा जरा आने दे देखिए तू ऐसे करने वाला है इसे अच्छा पार्टी करते हैं चल पार्टी करके थक गया ना इसलिए मैं सो रहा हूँ गुड नाइट जोरदार तालियां हो जाए फैजान लिखित के लिए फैजान और लिखित बेसिकली द एलिमेंट ऑफ बंक बेड इज नॉट स्लीपिंग इट्स फन और तुम लोगों ने इसमें वाकई बहुत मस्ती की तुम लोग के एक तो लाफे वो कंसिस्टेंट फीवर मूव वाइज आई कैन से बंक बेड का जो अप डाउन मूवमेंट था वेरिएशन थे एवरी टाइम दैट वाज डेफिनेटली द फीवर मूव ऑफ दिस परफॉर्मेंस वेल डन बॉयज ब्यूटीफुल पैदा ने लिखित कॉमेडी आपका स्ट्रेंथ है Let me tell you, it's not easy to do comic acts. Aap dono ki comic timing fantastic hai. It's superb. This act started, yes, mujhe laga ki thoda zyada comedy ho rahi hai, dance kab aayega, but jaise mera ye thought aaya, aapne aake ek pura chunk yahan pe dance kiya, which was fabulous. फॉर मी खासकर जब वो जाने दो वहां पे जो आप दोनों के एक्सप्रेशंस एंड द स्टेप दैट इज व्हाट फैजान एंड लिखित फॉर द ऑडियंस एंड फॉर अस एंटरटेनमेंट जो हम मूवीज में देखते हैं इट वाज रियली वेल डन थैंक यू फैजान लिखित एक ऐसे ज्वालामुखी है जो हर हफ्ते फटने के लिए तैयार होते हैं एंड मैं फैजान की बात करूंगा क्योंकि लिखित एक छोटा पैकेज राइट तो हर एक स्टेप वो जल्दी खत्म कर सकता है और उसका ट्रांजिशन जल्दी कर सकता है
So as a body, Faizan ke liye utna hi difficult hota hai because har ek cheez usko double speed mein karni hoti hai. So that dono same lage. And Likhit ke saath Faizan bana rahe aur Faizan ke saath Likhit bana rahe, yehi main pray karunga. Kya baat hai sir? Thank you. Sir. इस शो के तड़के ये हैं भाई। वाह भाई, थैंक यू सो मच। बेटा तू तो खतरनाक है यार। थैंक यू। कितने साल के हो आप? 10। स्कूल से कितने टाइम की छुट्टी ली हुई है? 5 महीने। 5? तो मार्क्स कितने आते हैं स्कूल में? 99%। वाह। 96%। 99% आते हैं? हाँ। तो जाता क्या है उसमें से बेटा? बेटा मेरे पूरे स्कूल के करियर में मिला के भी इतने नहीं बनेंगे। जजेस, क्या फैजान लिखित का ये परफॉर्मेंस परफेक्ट 100 का स्कोर पाता है या नहीं? इससे अच्छी कॉमेडी फैजान तुम लोग कर चुके हो, सो आई डोंट थिंक यू ऑल हैव टॉप्ड योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ कॉमिक, सो दिस टाइम ये हाई फीवर परफॉर्मेंस नहीं था हमारे लिए। ऑलराइट, एक चीज और, धर्मेश भाई आ नहीं पाए क्योंकि उनकी कुछ शूट चल रही है, लेकिन फैजान आपके लिए एक मैसेज भेजा है उन्होंने, वो मैं दिखाना चाहूंगा। फैजान को पहले मैं एक शो में मिला था एंड तब वो 17 साल का था। कोई ग्रुप के साथ आया, कोई डुओ के साथ आया, लेकिन एक अकेला फैजान को मैंने देखा था जो इतना बिंदास था। जब हमने शुरू किया था तब थोड़े डर के मारे, स्टेज इतना बड़ा कैसे, कैमरे इतने सारे लगे, बट एक बंदा आया, कोई भी डर नहीं उसे, तो ये फैजान था, बिंदास फैजी। फिनाले नज़दीक आ रहा है, जितना बेस्ट दे सको अपना बेस्ट दो एंड मैं चाहता हूँ कि शो भी आप जीतो। All the best. धर्मेश सर ऐसे इंसान है, मतलब सबको पता है वो बहुत अच्छे हैं, बट वो अच्छाई वो रियल में करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इंडस्ट्री में कि कभी भी कुछ भी होगा ना याद करना, फोन करना, बट जब फोन करते तो उठाते नहीं है। एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ रिसेंटली, मम्मी को जो फिट्स अटैक आए थे मेगा ऑडिशन के टाइम पे, तो मम्मी मतलब इतना ज़बरदस्त अटैक आया था कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा एंड पूरा ऐसा हेवायर हो गया था। तो मुझे मम्मी का पता नहीं कि पैसे किधर रखे, एटीएम का पिन क्या है, डॉक्यूमेंट्स किधर है, कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। सो मैंने सर को फ़ोन किया, सर ऐसी चीज़ें हो गई, मैं बहुत रो रहा था वो टाइम पर। सर को बोला सर मुझे ऐसे अमाउंट की ज़रूरत है एंड वो बहुत ही बड़ा अमाउंट था एडमिट करने के लिए। सो मैंने बोला सर अमाउंट की ज़रूरत है, सो उन्होंने बोला कितना चाहिए, तो मैंने उतना अमाउंट बताया एंड आधे घंटे में उनके मैनेजर का कॉल आया, पैसे ट्रांसफ़र हो गए और मैंने मम्मी का हॉस्पिटल में फ़ीस भरा। सो बहुत मिस कर रहा हूँ उन्हें आज एंड आई विश कि उनसे जल्दी मिलूँ। मिलेगा बिल्कुल, ऑफ कोर्स मिलेगा। पुनीत सर प्लीज अहमद सर को बोलिए ना मुझे बागीतरी में ले ले। सर हाँ, इतना टैलेंटेड बंदा है, कब से ट्राई कर रहा है आपके सामने इतने हफ्तों से, आई थिंक अभी तो चांस दे देना चाहिए। मैंने सुना है कि आप का दिल बहुत बड़ा है, तो सर काफी हफ्तों से ट्राई कर रहा हूं मैं, सर मुझे ले लो बागीतरी में। लिखित गया है तो लिखित लिखित तू छोटा है, पढ़ाई है ना फोकस। हाँ 100% क्यों नहीं आते? हाँ अगली बार 100 के लिए ट्राई करना, मेरे को ले लो सर। हाँ सर मैं ऐसे भागेंगी, मैं ऐसा भागेंगी भागी ट्री में, मजा आ जाएंगे आपको। और सर टाइगर को क्यों लेना है, टाइगर तो उत्तराखंड में भी है सर, आप मेरे को लो सर। हाँ। वाह यार तेरा पोपट हुआ है। सर मैं हीरोइन बनने के लिए भी तैयार हूं। आज हम ऑडिशन देंगे आपके लिए, आप बोलो सीन क्या रेडी कर रहे हैं, आप बताओ। तो ऐसा एक स्टोरी बनाते हैं कि कैसे आप तीनों हैं एक्चुअली, है ना, और तीनों को एक ही लड़की से प्यार है। अब उस लड़की को फॉर एग्जांपल ईशा, हाँ है ना, उस लड़की को आपने डरा के प्यार करना। अच्छा ऐसा। बागी थ्री का ऑडिशन देने आ रहे हैं राघव जुयाल एंड पाठक। टेक वन एंड एक्शन।
action. Sun, sun. हिम्मत है अगर इस साड़ी के अंदर जिगरा है साड़ी के अंदर जिगरा तो मुझे प्यार कर सोड़ियों प्यार कर Got it! ओके ये ओके okay. okay. था क्या बात है यार मैं एक्चुअली ईशा के आगे ना सर वो वैसा प्यार आता नहीं नहीं आता है ना मेरे को वैसा वाला आता है वो बोलो कुछ बोलो कुछ वो ऐसा वाला आता है वही तो कठिनाई है हाँ। ये था पंजाबी पिक्चर वाला प्यार वेरी गुड अब गुजराती पिक्चर वाला देखते हैं हाँ गुजराती वाला देखते रेडी एंड टेक वन एक्शन यहाँ से 50 कोस दूर जब लिखित सोता है तो पहचान बोलता है सो जा वरना पुनीत सर आ जाएंगे क्या सोचा था सरकार खुश होगा शाबाशी देगा अरे सुअर के बच्चों बेबी हाय हाउ आर यू बेबी मैं सुअर का बच्चा मैं सुअर है ना हाँ मैं सुअर मैं कुत्ता क्या बोल रहा है मैं हाँ कुछ भी आप बोलो करने वाले तो नहीं पता चल तो गए हाथ कनेक्ट है ना लिखित का बच्चा है लिखित का बच्चा है लिखित का बच्चा है मैं ईशा मैम को नहीं बोलूंगा अहमद सर को बोलूंगा अबे मुझे क्यों बोलेगा यार ऑडिशन पे ऑडिशन ऑडिशन पे ऑडिशन ऑडिशन पे ऑडिशन यहाँ रोल नहीं मिलता है माय लॉर्ड मिलता है क्या सिर्फ ऑडिशन मेरे भी कान सुनना चाहते हैं लाइट कैमरा एक्शन लेकिन मिलता है क्या सिर्फ ऑडिशन मुझे भी करना है विलन के साथ एक्टिंग और इंटरेक्शन लेकिन मिलता है क्या ऑडिशन पे ऑडिशन आखिर कितना ऑडिशन माय लॉर्ड तू ऑडिशन से बच जाए ऐसा हो नहीं सकता और मैं ऑडिशन में तुझे पास कर दूं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा निकल जा ओ भीषम सर पिछली बार तो आप मेरे दोस्त बने थे एक मिनट दोस्त बना था ना हाँ। यार इसे दे दो एक हाँ दे दो बेटे ये तुझे मिलता है प्रिया गोल्ड हैम्पर जिसमें है प्रिया गोल्ड स्नैकअप ये ले वाह वाह और बागीत्री में आऊंगा तो और मजा आ जाएगा हाँ वो तो है थैंक यू सो मच ईशा थैंक यू राघव इंडिया आप झिंगाट गाने स्पेशल में परफॉर्म करने आ रहे लिए वो जोड़ी जिनके पास है डांस का हेलीकॉप्टर जोरदार तालियां हो जाए प्रेजेंटिंग डांस के करण अर्जुन फ्रॉम देहरादून रॉन ब्रदर्स Wow.
चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, कर रहे ये धमाल देखो, हर दिल को तुम संभाल देखो, चाल देखो ढाल देखो, रगों में उबाल देखो, देखो 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 देखो. यार मैं एक ही चीज कहूंगा यार कि यार मैं शुरू से ही तुम लोगों से बहुत सीखता हूँ यार, चाहे वो ऑनेस्टी हो चाहे वो डांस हो. स्लो मोशन मेरा इनकी वजह से आया सर. कैसे मिले, कैसे पहले वो बताओ. हम लोग सर प्रैक्टिस करते थे देहरादून में भूत बंगले में और हमारा ग्रुप था डी मैनियक्स. मैं इनको दिखाया सबसे पहले कि यार स्लो मोशन करना चाह रहा हूँ यार, तो इन्होंने मुझे बोला भाई तू यही कर, ये कर, ये हिट है तू कर. तो सबसे पहला इन्होंने मुझे अप्रूवल दिया था उसका और आज वो स्लो मोशन की वजह से मैं जो भी है हो रहा है मेरे साथ. हम लोग साथ ही आए थे बॉम्बे. ओके. साथ नहीं किया सर हमने स्टार्ट अपना सफर सर. चंदू मंदू आई लव यू यार. तुम लोग की आर्ट इतनी पकड़ है तुम्हारी पॉपिंग में, तुम्हारे जो तुम्हारा स्टाइल है इतनी मुश्किल होती है सर एक पॉप मारने में भी सालों लग जाते हैं वैसे एक एक जर्क के लिए एक पॉप के लिए, लेकिन वो इतनी स्मूथली और वो इतनी करते हैं. वो झामा क्या था यार वो बीच में. पुनीत भाई, पुनीत भाई, पुनीत भाई तुम तो झामा किंग हो भाई. सही कहा राघव ने. वो झामा क्या है, वो चीज क्या है, जरा दिखाओ ना. ये एक मैनिपुलेटिंग स्टिक है. हाँ. और ये एक इल्यूजन आर्ट फॉर्म है, इसको हम लोग डांस में यूज करते हैं. यार आप लोग जो भी चीजें बना रहे हो, ट्रायंगल चीजें जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, स्क्वायर, यार यॉल वर बैंग ऑन. सो आई थिंक इस परफॉर्मेंस का फीवर मूव एंड फीवर स्ट्रोक ये झामा था. सुपर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच.
I want to switch the TV on for you guys again. हमेशा देखने के लिए यार, ये लोग करते तो यही है. अब इसका next level इसी चीज़ में क्या करेंगे? But you guys come and surprise me every single week. Salute to that. Good luck, guys, and God bless. Thank you so much, sir. सबसे ज़्यादा challenging Tron Brothers है is because हर हफ्ते मुझे as a choreographer एक challenge मिलता है कि अब एक level ऊपर कैसे लेके जाऊँ. और आप मुझे मजबूर करते हो एक लेवल अप जाने के लिए. तो क्रेडिट गोज टू यू. थैंक यू सर. एंड जब भी आप परफॉर्म करते हो, होती है ना माँ जो मंदिर के सामने वाले कि बच्चा पास हो जाए, वैसा कहीं ना कहीं एक छोटा सा टुकड़ा मेरा बोलता है ट्रॉन का एक्ट अच्छा हो जाए, ट्रॉन का एक्ट अच्छा हो जाए. एंड एज फार एज दिस एक्ट इज कंसर्न, मेरे स्टाइल में इंडस्ट्री खत्म. इंडस्ट्री खत्म. For me, आप दोनों already stars हैं. You are stars. Thank you, man. So, ये था definitely an electrifying, high fever performer. मजा तब आएगा यार जब दो भाई स्टेज पे खड़े हैं और तीसरा भाई जाके गोल्डन हैमर मार दे. आपको मिलते हैं perfect 100 का score from the judges. This was a high fever performance. Yeah. यार क्या है ना, मैंने इतना भी सुना हूँ कि स्लो मो साथ में हुआ है, तो आज तुम तीनों हो यार, आई वुड नॉट वांट टू मिस दिस मोमेंट. यस जी, मैनिक रीयूनाइटेड राघव जुयाल एंड ट्रॉन ब्रदर्स. जो गुमशुदा सखाव था वो मिल गया, वो खिल गया, वो लोहा था पिघल गया. खिंचा खिंचा मचल गया सितार में बदल गया. The three of them. Wow. Thank you. Jora, thank you. Raghav, ke liye Raghav, thank you so much. ससुर जी, बोलिए. आज दो नवाबजादे आए जी, लेकिन इसकी आड़ में आप भूलो मत कि कविता का टाइम हुआ है. ओह गॉड. जब भी गाड़ी चलाओ रास्ते पे तो वरना हर जगह का टोल चाहिए. क्यों भाव देरी है इन दोनों को, क्या तुझे भी एबीसीडी में रोल चाहिए? सी ऑल दिस एंगल वेरी डीप, वेरी डीप. मत पड़ राघव के चक्कर में, ये प्यार भी इतना स्लो मोशन करेगा. दो घंटे की है ये आशिकी, फिर ये कहीं और जाके प्रमोशन करेगा. पुनीत का भी क्या कहूँ, प्यार के मामले में ये सूखा इसका चेहरा हो जाता है. आई लव यू बोलने की बारी आई तो एबीसीडी की तरह गूंगा बहरा हो जाता है. तू छोड़ इन दोनों को,
अपुन करेगा तेरी सेवा है, ये है डांस के नवाबजादे, तो अपुन भी गरीबों का प्रभु देवा है। बाद में डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि कोई कॉपी ना करे। इतनी बेहूदी और वाहियात पोएम सुनने के बाद हम चुप है। अच्छा, ये हम सबकी नेकी है। ईशा जैसी खूबसूरत लड़की तुझसे बात करे, भाई अपनी शक्ल आईने में देखी है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या आपका बच्चा उठते बैठते सोते जागते नाते धोते गाना गाता है? क्या आपका बच्चा अपने सरगम से आपके हर गम को दूर कर देता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुबारक हो, क्योंकि एन टीवी लेकर आ रहा है बच्चों का सिंगिंग रियलिटी शो लव मी इंडिया, आवाज जो बनेगी देश की धड़कन, जहाँ इनका रिपोर्ट कार्ड बनाने होंगे प्रिंसिपल्स, हाई रेटेड गबरू सिंगर लिरिसिस्ट और कंपोजर गुरु रंधावा, जिनकी आवाज सुनकर सारा जग घूमया है, नेहा भसीन और इंडिया के हिट मशीन म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया। तो इंडिया, देखते हैं लव मी इंडिया की एक छोटी सी झलक। वाव, बनते देखा होगा आपने बहुतों को सिंगिंग शोज पे सुपरस्टार, पर कहाँ है ऐसा कोई जिसे पूरा देश करे दिल से प्यार। लव मी इंडिया, एक ब्रांड न्यू शो, एक बिल्कुल अलग मंच, जहाँ इंडिया के कोने कोने से बच्चे आएंगे और अपने सिंगिंग से पूरे इंडिया के दिल की धड़कन बन जाएंगे। लव मी इंडिया में आने के लिए लॉग ऑन कीजिए स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट पर और अपलोड कीजिए अपने सिंगिंग का वीडियो लिंक। लव मी इंडिया चल रहा है एन टीवी पर। पहला तुम्हारे हाथ में है नखरा तेरा नी, हाई रेड गबरु तुम्हारे हाथ में, मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लट दे हुलारे। आ सच मुच होए तेनु लव करदा, दिल वाली गल कहनो दिल डरदा, बन मेरी क्वीन सोनी, देख कला जा तो तेरा किंग लगदा। हाई नी है नखरा तेरा नी, हाई रेड गबरु तुम्हारे हाथ में, मुंडे पागल हो गए लख दे हुलारे। जोरदार तालियां हो जाए हाई रेटेड गबरूज हमारे नवाब जादे, साथ ही हमारी टॉप सिक्स फीवर जोड़ी, थैंक यू सो मच। इंडिया झिंगाट गाने स्पेशल में अब परफॉर्म करने आ रहे लिए कंटेम्प्री की नई दिशा, जोरदार तालियां हो जाए प्रेजेंटिंग जस्ट फ्रेंड्स। दिल्ली से तारा और सिक्किम से निशा। इस बार झिंगाट गाना स्पेशल है और हम दोनों ही एक आइटम नंबर परफॉर्म करने वाले हैं। मैं फर्स्ट टाइम पोल डांसिंग करने वाली हूँ और तारा फर्स्ट टाइम बॉलीवुड करने वाला है। पोल डांसिंग बिल्कुल भी इजी नहीं है क्योंकि उसमें हैंड का बहुत स्ट्रेंथ लगता है और कोर का भी बहुत स्ट्रेंथ लगता है। बहुत ही ज़्यादा टफ है हम दोनों के लिए कॉम्पिटिशन, तो लेट्स सी क्या होता है, हम अपना 100% देंगे। ये कौन है? तुम इन गरीबों के सामने नहीं नाचोगी, तुम अगर बदनाम होगी तो सिर्फ
इस पांडे जी के लिए. गेट आउट. मुन्नी बदनाम थी, है और रहेगी सिर्फ चुलबुल पांडे के लिए. Pass of figure bebosi ada wow. यार बहुत पावरफुल डांसर हो यार आप निशा. थैंक यू सो मच. और मेरे भाई चुलबुल पांडे, जो पोस्टर आपका यार वो मैं चाहता हूँ कभी जिंदगी में मेरा भी बने यार. यार बहुत बढ़िया दोनों, मुझे बहुत पावरफुल लगा. थैंक यू. निशा इज अ बॉलीवुड डांसर. पहले हफ्ते से बोल रही है सर प्लीज बॉलीवुड कराओ, सर प्लीज बॉलीवुड कराओ. Wow. रोने जैसी हो जाती है. आज निशा दिखी इज बिकॉज निशा का फोटे था. एंड तारा तुम बहुत ही फोकस्ड हो, सिंसियर हो, अपने आर्ट फॉर्म को लेके अपनी जिंदगी को लेके ऐसे ही आगे बढ़ते जाना, ऊंचाइयां छूओगे. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तारा रिमाइंडेड मी एक वो सलमान फर्स्ट मूवी मैंने प्यार किया वो तब का सलमान इज लुकिंग बट आई लव्ड इट. एंड ये मुन्नी तो बाबा, ये तो मतलब ऐसी मुन्नी होती है इसीलिए तो बदनाम होती है. आई जस्ट हैव टू मेंशन पूरे डांस विद दैट वन पॉइंट वे आप तारा के बैक पे चढ़ के एंड देन ही डज द पुशअप गाइस. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. दिस एक्ट फॉर मी आई वुड कॉल इट अ बॉलीवुड एक्ट अगेन क्योंकि इसमें आपने थोड़ा सा सांबा डाला, एक बेसिक था थोड़ा चाचा का, इट वॉज देयर एंड देन आपने बहुत सही कैरेक्टर पकड़ा यार. सुपर्ब फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. सो गुड जॉब, कूडोस, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तारा चुलबुल पांडे का जो रोल तुमने अदा किया उसमें तुमने अपनी कॉन्टेम्प्ररी को साइड में छोड़ के चुलबुल पांडे स्टेज पे बनके एक्ट किया तुमने. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वॉज अ फीवर मूव. तुम इन गरीबों के सामने नहीं नाचोगी, तुम अगर बदनाम होगी तो सिर्फ इस पांडे जी के लिए. थैंक यू सर. थैंक यू. निशा फर्स्ट टाइम तुम पोल डांस में उतरी एंड जो तुमने स्टार्ट में जो ट्रिक्स किए वो वेरी वेल डन. उसके बाद इस बार मुझे तुम्हें अंडर आर्म रोल्स बहुत अच्छे लगे, बहुत क्विक थे, दे वर ब्यूटीफुली डन. ओनली मुझे प्रॉब्लम लगी सर्टन ट्रांजिशंस में, तो दिस टाइम इट वॉज नॉट अ हाई फीवर परफॉर्मेंस बट बूस्ट अप योर एनर्जी बहुत बाकी है. थैंक यू. ऑलराइट. थैंक यू सर. थैंक यू जजेस.
I just want to say, यार ये क्या है ये गाने में मतलब बस एक मुन्नी क्यों बदनाम हो रही है अहमद सर? Ask मुन्नी. Ask मुन्नी. नहीं मुन्नी चिक चिक के बोल रही मुन्नी बदनाम हुई है. नहीं मगर मुन्ने भी तो बदनाम होने चाहिए ना. बोलता ही नहीं मुन्ना बदनाम हुआ है. मगर ये मुन्नी बोल रही मुन्नी बोल मुन्ने बदनाम होने चाहिए ना. बिल्कुल. रियलिटी शोज के जो किंग्स हैं एक्चुअली वो तीनों पहली बार मैं यहाँ बैठे हुए. अब ये तीनों वहां कैसे दिखते हैं? लेट्स सी. कम ऑन लेट्स सी देम. पोल डांसिंग में ज्यादा कपड़े पहन के नहीं चढ़ सकते तो शर्ट तो निकालना पड़ेगा सबको. लड़ाइयां लेती हूँ मैं जब जोर जोर से तंदूर मैं तो तंदूर